दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर 10 गारंटी जारी करते हुए कहा कि दिल्ली से कूड़े के तीनों पहाड़ हटाएंगे, एमसीडी के पार्कों को सुंदर बनाएंगे, सड़कों और गलियों की साफ सफाई करेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर दिल्ली वालों के सामने 10 गारंटी रखी है। दूसरी ओर भाजपा पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा केवल झूठ बोलती है। पिछली बार भी उन्होंने शपथ पत्र जारी किया था और कोई काम नहीं किया। इस बार वचन पत्र जारी करके लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने चुनावी अंदाज में कहा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। उनका कहना है कि दिल्ली के तीनों कोनों पर बने कूड़े के पहाड़ को हटाकर साफ और स्वच्छ बनाएंगे। अब इस बात में कितना सच और कितना झूठ है यह दिल्ली की जनता पहले से समझती है, लेकिन फिर अभी केजरीवाल चुनावी जुमलों से अपना रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आवास योजना विभाग में है। हम निगम से भ्रष्टाचार को खत्म कर घर बनाने में नक्शे बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे और साथ ही सारी व्यवस्था ऑनलाइन करेंगे जिससे लोगों को आसानी हो। पार्किंग की समस्या पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस समस्या को खत्म कर बेहतर विकल्प दिया जाएगा। अब यह तो जनता बताएगी कि इन बातों में दम है या केवल चुनावी जुमले। हर लेटेस्ट सूचना के लिए हमारे चैनल ट्यूब स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।